हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मराठी फिल्म वेद का टीजर, जो कि 30 दिसंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। फिल्म का टीजर शुरू होता है वॉइस ओवर के साथ प्यार का मतलब समझाते हुए। अच्छा है कि टीजर के नीचे सबटाइटल्स भी साथ में दिए हैं जिनको मराठी नहीं आती उनको समझाने के लिए। खैर, विजुअल देखकर पता चलता है कि पिक्चर बहुत इंटेंस होने वाली है और इमोशनली कनेक्ट करने वाली है। रितेश को देसी एंग्री बॉय दिखाया गया है, जो शायद प्यार में पागल हैं जेनेलिया के, जो रियल लाइफ में उनकी वाइफ भी हैं। फिल्म में एक्शन होने वाला है ये क्लियर है। रितेश का कैरेक्टर साइलेंट इंटेंस टाइप का है। टीजर के ज्यादा विजुअल्स बारिश में दिखाए गए हैं जो अच्छे लग रहे हैं। टीजर देख के हमें कहीं ना कहीं फिल्म एक विलन की याद आती है। वेल, रितेश इसमें क्या कमाल करते हैं वो देखना है। हमारी उम्मीदें भी हैं क्योंकि वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। जेनेलिया देशमुख की ये डेब्यू मराठी फिल्म है। उनको सिंपल साड़ी में दिखाया गया है, वो अपने रोल में अच्छी लग रही हैं। एक्चुअली वो 10 साल पहले के जेनेलिया लग रही हैं, नॉट बैड। फिल्म का म्यूजिक टैलेंटेड डुओ अजय अतुल कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। फिल्म प्रोड्यूस की है जेनेलिया देशमुख ने, और जी हाँ, फिल्म को डायरेक्ट किया है रितेश देशमुख ने, और उनकी ये पहली यानी डेब्यू डायरेक्टर फिल्म होगी। ओवरऑल फिल्म का टीजर कड़क है, अच्छा है, पर रितेश और जेनेलिया की केमिस्ट्री क्या कमाल करती है स्क्रीन पे वो देखना है, खास तौर से तब जब ऑडियंस ये जानती है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं। मुझे पर्सनली फिल्म का लुक और इनकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। तो भाई और बहनों, ये था फिल्म वेद टीजर का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना और शेयर करना रितेश देशमुख के फैंस को। अभी के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। Thank you and God bless you.